अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो यार, आज हमारी वीडियो का आगाज़ थोड़े से सैड मोमेंट से होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सैड चीज़ सुनाना चाहता हूँ। वो सैड चीज़ है जी, हमारे सुल्तान के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सुल्तान था वो काफ़ी दिनों से ज़्यादा बीमार था। आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ उसकी तबीयत कैसी है और क्या पता हमें वो दिन कल या परसों छोड़ के चला जाए। हमने बहुत कोशिश की है इसको बचाने की, दही भी खिलाई है, दवाइयाँ भी लगाई हैं, इंजेक्शन भी लगाए हैं, लेकिन नहीं, इसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ उसको हुआ क्या है। तो यार ये देखें, हमारा सुल्तान बहुत गंदे तरीके से लेटा हुआ है। मतलब ऐसे वैसे कि मरने वाला आप बछड़ा होता है, वो जैसे लेटा है। यार देख कर इसको कमज़ोर आप देखें, जो भी खाना खाता है लेकिन वो फिर फटाफट निकाल लेता है। तो यार इस ये हमने सामने इसका रखा है, दूर भी हम इसको खाना खिलाते हैं मामा का, लेकिन क्या करें, ये अपने डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता बेचारा, खड़ा भी नहीं हो पाता। मैं क्या करूँ, ये वीडियो यहाँ से आपको नहीं दिखेंगे कि है। तो यार देखें, यार देखें ये बिल्कुल इसके अंदर थोड़ी सी जान है, अब खड़ा हो गए। और इसकी मामा आप देखें कितनी हेल्दी मामा है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कह रहा मुझे लगता है अगर लग गई उसके चेहरे पर छुड़े को, वो वहाँ पैदा हुआ इतना प्यारा था, माशाल्लाह। देखिए आराम से खड़े हो गए, वो बैठ के सोच रहे कुछ। और इसकी मामा को आप देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी और हेल्दी मामा है इसकी, बिल्कुल। यार ये भी बहुत प्यारा माशाल्लाह था बच्चा, बछड़ा बहुत प्यारा था, लेकिन यार अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, बस आप दुआ के नहीं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह इसको जाने से दुआ मतलब ठीक करे, क्योंकि जो चाहता है अल्लाह वही होता है। तो जल्दी से आप दुआ करें और मैं आपको बकरियों से मिलवाता हूँ इनके क्या हालात हैं। और हमारे घर में आ चुका जी सारा भूसा हवेली में, तो पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और बकरिया तोते से मिलवाता हूँ, उनसे भी मिलवाता हूँ। तो और हाँ, हमारा गबरू चला गया, मैंने आपको कहा था कि गबरू चला जाए या ना जाए, लेकिन मुझे खुद ही उसको अब अच्छा नहीं लग रहा था, मारता था बकरियों को, तंग करता था, तो हमने बेच दिए। अब वो चला गया, अब हवेली में कोई गबरू नहीं है, ठीक है। तो अब कोई और बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम ही गबरू रखेंगे। तो आए ज़रा बकरियों से मिलवाते हैं और सब चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये सारा भूसा पड़ा है अंदर, फुल भर चुका है। किसी दिमाग मैं सोचता हूँ वो अंदर जाते थे वहाँ बकरियाँ पालते थे कोने में जा कर, अब तो पूरा भर चुका है अंदर से, देख सकते हैं नीचे नीचे तक गिरा हुआ है। देखें जी, ये हमारा बख्तू बंदर है, शेर बकरी, यहाँ हमारी बड़े सिंह वाली, यहाँ गबरू बनता था जी। ये इसका बेटा जिसने अपना कल सिंह पड़वा दिया और रोता है इतना कि इतनी दर्द होती है, इतनी इसको दर्द होने में है, दर्द होती है शहजादे का, दर्द होती है। इसकी बहन आराम से खाना खा रही, जो बड़े बच्चे ना दाने वगैरह जो गिर जाते हैं दूसरे से वो बड़े में, या हमारी सुनोई इसकी सिम माशा हो इसकी सिम के नरम में भी, ये हमारी जूलियट और सिम्बा और इसका भाई भी उस तरह है। तो मैं हमसे मिलवाता हूँ, ये तो भाई जन बहुत शरारती हो चुका है जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये देखो बा, ये देखिए इतना मेरे से डरता है, मैं सब क्या किया क्या है। और जब शुरू शुरू में किसी की याद ही नहीं आता था, मैं देखे जी इसकी मामा मेरे से बिल्कुल नहीं डरती, आया है फिर दूध भाई जान दूध पहले बाद पी लेना ना, पहले इनसे तो मुलाकात कर लो, हैं बहुत शरारती हो क्यों, जैसे छिपकली होती ना बस इसका। तो ये गाय बसों का देखें, गर्मियाँ बिल्कुल गर्मी, सख्त गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तपश की मतलब सूरज बिल्कुल चमक बिल्कुल अपनी फुल तेज अपनी रोशनी मतलब जो होती है धूप, अब किस तरफ है मैं आपको घूम के बताता हूँ। तो यार इस तरफ सूरज है, देख सकते हैं आप क्या आप नज़र ना आया हो आप, ठीक है कैमरा सही नज़र नहीं आता। ये देखिए दोनों भाई खाना खा रहे हैं, इनका पेट हरास ना हो कि आ यार, इसके भी सींग माशाल्लाह बड़े प्यारे निकले हैं। ये देखिए कितने गंदे डस्ट निकलती, ये हमारा शेरा। और सच्ची हाँ, हमारी वो भी चली गई है ना भैंस भी, यार हम वो बहुत कद छोटा रह गया था, तो हमने कब भी बेच देते हैं जो मतलब बेकार बेकार सब निकाल रहे हैं।
यार पापा का बड़ा दिल था कि यार ये ठीक हो जाता बच्चा गाय का, इसको फिर बड़ा प्यारा बैल बनता, लेकिन जो अल्लाह को चाहे कोई चाची होगी क्या पता बड़े हो गए इसको कुछ हो जाता तो नुकसान हो जाता। लेकिन यार अभी भी हम इसकी बहुत केयर करते हैं, आखिरी दम तक इसकी केयर करते रहेंगे, रोज़ाना शाम को पापा से आते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। ये दोनों मेरे सबसे पहले में यार सबसे ना, और ये देखे शतूस कितने प्यारे मुआशरे से टूट निकली, इनको भी तोड़ती हैं प्लेट में इससे पहले क्या कर खा जाए। तो यार आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जान के दुआ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।